Wicked Sonny, kya bolta hai Johnny? किरण अगला ब्रेड किसका है? किरण तेरे को सुन ही नहीं दे रहा, क्या पूछ रहा हूँ कि अगला ब्रेड किसका है? भाई ये क्या तरीका होता है किसी से बात करने का? अरे भाई बैठ जा, दो मिनट सुन ले। ऐसा थोड़े ना होता है कोई। नहीं रहा था यार, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि अगला ब्रेड किसका है ये बता दे मेरे को। अगला ब्रेड इंग्लिश का है। इंग्लिश का है? हाँ इंग्लिश का है। गाइस क्या आप लोगों के साथ भी स्कूल या कॉलेज में ऐसा होता था कि आप लोगों को पता चलता था अगला जो पीरियड है वो है इंग्लिश का, और आप लोग सोचते थे कि यार इस पीरियड को कैसे भी बंक करना है, क्योंकि एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हैं और हमें इंग्लिश इस तरीके से सिखाई जाती है कि हम सोचते हैं कि इंग्लिश ना एक अलग ही दुनिया की लैंग्वेज है, हम कभी नहीं सीख पाएंगे। हमें बहुत सारी चीज़ों में उलझा के रखा जाता है, जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजों को समझेंगे कि हमें कहां प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश सीखने में, और मैं आपको साथ ही साथ सारे तरीके बताऊंगा इंग्लिश के कि मैं कैसे सीख रहा हूं, वो सारी चीज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं आप लोगों को मेरी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। मेरे साथ क्या था कि मैं इतने ज्यादा इंग्लिश के लेक्चर यानी मेरे जो स्कूल में पीरियड्स होते थे वो बंक इतने करता था कि एक बार जब मैं अपनी क्लास में गया तो मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ जो आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। क्यों उठ 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 उठ, मस्ती कर रहा? सर मैंने क्या करी मस्ती? क्यों ज्यादा समझदार बन रहा तू? रुक रुक, देखो तो पहली बार देख रही हूँ क्लास में। मैं भी सर को पहली बार देख रहा हूँ। क्यों ज्यादा समझदार बन रहा? चल उठ उठ, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर बाहर हो, बाहर। तो गाइस जैसा कि देखा कि हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हैं या फिर कोई भी मीडियम के स्टूडेंट है जिनका इंग्लिश से तालमेल नहीं बैठता, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। मैंने शुरुआत में थोड़ा सा इसको वाइन स्टेप बनाने की कोशिश करी है, तो ये सारी चीज़ें तो चलो बात हो गई, साइड से थोड़ी मजाक मस्ती की बात हो गई, अब हम थोड़े से सीरियस टॉपिक पर आते हैं। देखो इंग्लिश सीखने से पहले आप लोगों को अपने दिमाग में कुछ बातों को डालना होगा। अब वो बातें क्या है मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ। हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ अनएजुकेटेड बंदा और एक तरफ एजुकेटेड बंदा है, लेकिन अनएजुकेटेड को अगर इंग्लिश आती और एजुकेटेड को इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग अनएजुकेटेड वाले को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि भाई उसे तो इंग्लिश आती है और इंग्लिश तो पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देता हूं। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनको इंग्लिश तो आती है, लेकिन उनसे एक बार पूछा गया था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो बोल रहे थे पृथ्वीराज चौहान, तो उनके लिए थोड़ी बहुत तालियां होनी चाहिए। तो यहां पे मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि देखो इंग्लिश आने से मतलब ये नहीं है कि वो बंदा थोड़ा सा एजुकेटेड है या उसमें बहुत सारा नॉलेज है। ये चीज थोड़ा सा माइंड से हमें निकालना पड़ेगा। इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह देखना होगा। हम क्या देखते हैं भाई, इंग्लिश आती है भाई ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा, बहुत इसमें क्लास है, ऐसा नहीं होता भाई। इंग्लिश को जब तक एक लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक जिंदगी भर इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, ठीक है? तो इंग्लिश को एक लैंग्वेज समझना अपने को। और एक और यहां पे एग्जांपल देना चाहूंगा, हिंदी को भी इंपॉर्टेंस दो या फिर आपकी जो भी मदर टंग है उसको इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि हमारी इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। देखो मैं यहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? श्रीमती सोनिया गांधी जी को इंडिया आए हुए कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए, यहां पे मेरे को लगभग याद नहीं है पर बहुत साल हो गए, लेकिन आज तक वो हिंदी ढंग से नहीं बोल पाती हैं। और अगर एज ए इंडियन मैं 2 या 3 साल इंग्लिश सीखूंगा तो मैं उनसे अच्छी इंग्लिश बोल पाऊंगा। तो यही बात है कि भाई हमारी हिंदी लैंग्वेज किसी से कम नहीं है, हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी इंडिया की लैंग्वेज हो, जो भी आपकी मदर टंग हो उस पर गर्व करना सीखो, और इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह सीखने के लिए सोचो। ये मत सोचो कि इंग्लिश ये है वो है, जब तक ये सोचोगे ना इंग्लिश एक अलग ही लेवल समझोगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको इंग्लिश सीखने में। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें बताई अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इससे मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। देखो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए ना माइंडसेट बनाना पड़ता है, माइंडसेट जरूरी है। ये सारी चीजें माइंडसेट के लिए जरूरी थी और मेरे दिमाग में बहुत समय से ये चीजें थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो ये चीजें तो सारी क्लियर हो गई, अब हम लोग समझते हैं इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। तो यहाँ पे पहली चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें अपने माइंड
माइंडसेट को क्लियर करना होगा, हमारे माइंडसेट को बनाना होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो अब हम लोग समझते हैं यार हम लोगों को इंग्लिश बोरिंग क्यों लगती है, हम लोग ये समझेंगे। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो चीजें होती हैं ज्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ होती हैं, मुझे ये चीज पता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाऊं, तो मेरे को हिंदी मीडियम का पता है, ठीक है। और आप लोग की कोई भी मदर टंग हो सकती है जिसमें आप लोग पढ़ते हो, मराठी या कोई भी अलग अलग लैंग्वेज में आप लोग पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को ये चीज पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहता था। अब हम लोग समझते हैं यार हमें इंग्लिश बोरिंग क्यों लगती है, उसके क्या क्या रीजंस है। उसका रीजन ये कि हम लोगों को ना पूरी तरीके से उलझा के रखा जाता है ग्रामर में। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो ग्रामर इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा। ग्रामर इंपॉर्टेंट तब है जब आप किसी भी तरीके की एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग स्कूल कॉलेज में पास होना चाहते हो, तो भाई आपको इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर आनी चाहिए, ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ग्रामर आनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये चीज भी थोड़े से पॉइंट्स के साथ क्लियर करता हूँ। अब उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में, कुछ साल पहले जब हम लोग छोटे थे, जब हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी। तो मुझे एक चीज आप क्लियरली बताओ, क्या आप लोगों के घर वालों ने आप लोगों को हिंदी ग्रामर ला के दी थी, या फिर ला के दी थी बेटा हिंदी ग्रामर दी है तो हिंदी सीख, इसलिए मैं तेरे को हिंदी ग्रामर दे रहा हूँ, या फिर जो भी आपके फादर हैं मदर उन लोगों ने आप लोगों को हिंदी ग्रामर की किताब भेजी फिर आप हिंदी सीखे, या फिर आपकी कोई भी मदर टंग है उसकी आप लोग किताब लाए और फिर सीखे? ऐसा नहीं है। हम लोग कैसे सीखे कोई भी लैंग्वेज, वो समझते हैं। देखिए हम लोग क्या करते थे जब हम लोग बिल्कुल छोटे थे, या फिर आप लोगों के घर में कोई भी छोटा बच्चा हो तो आप देखना वो कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखता है। वो ऐसे सीखता है, वो हम लोगों को आसपास का वातावरण देखता है। जैसे हम बोलते हैं बेटा आजा आजा आजा, या फिर बेटा चल जा, या कुछ भी कर ले ऐसा वैसा, तो हमको क्या करता है सुनता है, पहली चीज तो ये होती है। और दूसरी चीज वो हम लोगों को देखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस चीज में क्या वर्ड बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि आप लोग सुन के और देख के समझेंगे, ठीक है। इंग्लिश तो ऐसे तरीके से सीखी जा सकती है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गए, अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्या चीजें देखेंगे और क्या चीजें सुनेंगे तो आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के पास सिंपल एक फोन होना चाहिए। फोन तो सभी के पास होता है जिसमें आप लोग ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उसका आप लोगों को यूज करना है। देखो अगर फोन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप लोग अपने मम्मी पापा के फोन में ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप लोग किसी दूसरे के मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये तरीका मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है। देखिए अगर आपके पास फोन है तो आप लोग एक बहुत बढ़िया चीज कर सकते हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। मैं देखता हूं इंग्लिश ब्लॉग्स। इंग्लिश ब्लॉग्स क्या होती है मैं आप लोगों को समझाता हूं। ऐसे जैसे लोग होते हैं जो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करते हैं, अब ट्रैवल करते हैं तो वो लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, तो हम लोगों को समझ आता है ना। जैसे कि अब एक जगह पे अगर कोई बोल के इंग्लिश बोल रहा है कि यू हैव वगैरह वगैरह, जो भी वो चीज बोल रहा है, आप लोग बहुत से वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे जो लोग इंग्लिश सिखाने का दावा करते हैं, वो एक जगह पे खड़े होते हैं, उसमें क्या होता है कि यार आप लोग समझ नहीं पाते ये बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन जैसे ही वो ट्रैवल कर रहा हो, किसी से मिल रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो उसमें आपको समझ आता है कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके साथ एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगा, जो भी ब्लॉग्स देखो वो सबटाइटल्स के साथ देखो। आपको यूट्यूब में ऑप्शन मिल जाता है सबटाइटल्स ऑन करने का, ऑटो जनरेटेड होंगे या फिर सामने वाले ने अपलोड कर रखे होंगे वहां पे सबटाइटल्स, तो सबटाइटल्स के साथ देखो। अब आप सोच रहे होंगे सबटाइटल्स का क्या फायदा है, मैं बताता हूं। सबटाइटल्स आपके सामने बार बार चलेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलती जाएगी बोल क्या रहा है, एक्चुअली बोल क्या रहा है। बार बार आप लोगों को स्पेलिंग्स दिखेंगी, तो आप लोगों को कभी भी जैसे आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो स्पेलिंग आपके पास बार बार दिमाग में आ रही है और आप उसको समझेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को एक और चीज करनी है, जैसे आप व्लॉग्स देख रहे हैं, इंग्लिश व्लॉग्स देख रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग व्लॉग देख रहे हैं, इस टाइप के व्लॉग देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को एक और चीज करनी है। जो वर्ड आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, सिंपली वहां पर वीडियो को स्टॉप करनी है, गूगल ट्रांसलेशन में जाना है, उस वर्ड को ट्रांसलेट करना है। साथ ही साथ आप उस वर्ड को कहीं सेव करके रख सकते हैं। रोज के ऐसे 10-15 वर्ड भी निकालोगे ना, तो आप बहुत जल्दी बहुत ही कम समय में ज्यादातर इंग्लिश सीख सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि भाई मोबाइल फोन है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने मतलब किसी भी घर में छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो आप लोगों को मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। आप लोग अपने फोन में ना इंग्लिश कार्टून चला सकते हैं। इंग्लिश कार्टून से बच्चा बिल्कुल कम समय में मतलब बचपन से इंग्लिश सीखेगा। और एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, उसको हिंदी जरूर सिखाना, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज और हमारी मातृभाषा है। तो यहाँ पे ये चीज मेरा बीच में क्लियर करना था। तो इंग्लिश वाली बात ये है कि यहाँ पे आप लोग उसको इंग्लिश कार्टून दिखा सकते हैं। इंग्लिश कार्टून आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, उसको बचपन से डेवलप हो जाएगा, कम एज में ही इंग्लिश सीख जाएगा। जैसे जितनी ज्यादा देखेगा क्या कर रहा है कार्टून वगैरह में, तो ऐसे में उसकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। ये तो बच्चों वाली बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं अगर हमारे पास फोन वगैरह नहीं है तो हम लोग क्या चीजें देखें। तो आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज चैनल। आप लोग अपने टीवी पे जाएंगे तो आप लोग बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखेंगे जो कि हैं न्यूज चैनल जो इंग्लिश में आते हैं, उनको आप जरूर देखें। वहां से आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होगी इंग्लिश। अब मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितनी आसानी से बोल रहा हूँ ना इंग्लिश चीजें देखो, शुरुआत में आप लोगों को लगेगा कि भाई मेरे से दुनिया के काम करवा लो और मुझसे ये चीजें मत दिखवाओ। मेरे साथ पर्सनल ये सीन होता था, पर मैं आपको चीजें
बताता हूँ क्या होता है। जब आप एक दो दिन देखोगे ना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है। इंग्लिश ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश में बनाते हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, एक हफ्ते तक नहीं समझ आएगा। एक हफ्ते के बाद आप नोटिस करेंगे, यार मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, आप लोगों को उसके साथ रिलेट होने लग जाओगे। धीरे धीरे जब एक आधी मंथ बीतेगा तो आप लोगों को इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाएगी, एक दो मंथ आप पूरी तरीके से समझने लग जाएंगे। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आप बोल नहीं पाएंगे। अब देखिए, बोल नहीं पाएंगे इसका रीजन ये है क्योंकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग जैसे कि वहां पे कुछ चीजें देख रहे हैं कि वो बोलेगा वगैरह वगैरह, घूमते समय वो सारी बातें करेगा, तो आपके दिमाग में वर्ड्स रिपीटेड होते रहेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग में बस जाती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे मैं बोलता हूँ, हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस वीडियो, आई एम गोना टेल यू हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। मैं पहले इंग्लिश में, ये मेरा शुरुआत का एक टाइटल हुआ करता था जो मैं बोलता था, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो मैं इंग्लिश आते हुए भी तुम बोल नहीं पाओगे। आप प्रैक्टिस कैसे करनी, या तो तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, अपना ग्रुप इस तरीके का बना सकते हो कि वो लोग भी तुमसे इंग्लिश बोले, तुम भी उनसे इंग्लिश बोलो, दोनों की प्रॉब्लम्स हो, दोनों मिलकर डिस्कस करो। लेकिन आज के दुनिया में ऐसा होता नहीं है, सब अपने अपने में बिजी हैं। कुछ दोस्त हैं तो वो भी मजाक उड़ाएंगे कि भाई अंग्रेज बनना चला है। भाई देखो, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश सीख रहे तो अंग्रेज बनना चाहते हैं, अंग्रेज नहीं बनना चाहते, बस एक लैंग्वेज है। मुझे तो बहुत सारी लैंग्वेज सीखने का शौक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ये बनना चाहता हूँ। ये चीजें तो चलो ठीक है कि हाँ भाई दोस्त नहीं है या फिर दोस्त नहीं समझ पा रहे, तो क्या करना चाहिए, घर में एक कांच तो होगा ही, कांच में जाओ उसी से बात करो, जो भी लग रहा है। थोड़ी टाइम तुम्हें अटपटा लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद तुम लोग बोलोगे हाँ भाई दुनिया का जो मेरा असली मित्र है, मेरा दोस्त है, मैं वो खुद हूँ। तुम अपने आप से बात करना सीख गए ना, तो बस तुम्हारा काम बस वहीं से शुरू हो गया है। तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करते रहना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, नए नए वर्ड्स रेगुलर सीखना है। एटलीस्ट 20 वर्ड लिखो एक कॉपी में, कॉपी में नहीं लिख सकते तो एक नोटपैड आता है अपने फ़ोन में, वहाँ पे लिखो, उसका ट्रांसलेशन मीनिंग देखो, कभी भी याद आए भाई, मतलब तुम 20 वर्ड भी अगर सीखोगे तो उसके 10 वर्ड भी रोज याद रहेंगे, तो तुम नए नए वर्ड्स सीख सकते हो। और मिसली जो ज़्यादातर वर्ड यूज़ होते हैं इंग्लिश में, उनको ज़्यादातर सीखो। और साथ ही साथ आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर को अपने घर पे मंगवा सकते हैं। मंगवा नहीं सकते तो आसपास कहीं जाओ जहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर आता हो, एक घंटे जाके बैठो, एक घंटे नहीं ज़्यादा बोल दिया मैंने, आधे घंटे जाओ उसमें आराम से पढ़ो, कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे उनको हाईलाइट कर लो या फिर अपने किसी भी नोटपैड में लिख लो और उनको घर पे आके ट्रांसलेट करके समझो ये वर्ड्स कौन से हैं। या फिर एक और काम कर सकते हो, इंग्लिश बुक जुगाड़ कर सकते हो, इंग्लिश बुक यानी कि अपने स्कूल की इंग्लिश बुक ले लो, उसमें जो स्टोरीज होती हैं उनको पढ़ो। स्टोरीज पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आएगा, इंग्लिश मतलब ऐसा लगेगा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। फिर तुम थोड़े से उसमें इंटरेस्ट लोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आएगा। बस एक चीज़ ये ध्यान रखना, वर्ड्स को सीखते रहना, ठीक है, और ज़्यादातर वीडियोस देखना। वीडियोस इसलिए देखना क्योंकि वीडियोस से तुम्हें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना तुम इंग्लिश की जगह पर पता नहीं क्या बोलने लग जाओगे। तो क्या रहेगा, वीडियोस देखोगे ना तो तुम्हें डेटेड इंग्लिश मिलेगी, आउटडेटेड वाली मत सीखने लग जाना, क्योंकि जो बाहर के व्लॉग्स होते हैं जो वहां पे करंट इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है वो वही लैंग्वेज बोल रहे होते हो, तो तुम बिल्कुल एकदम न्यू वाली इंग्लिश सीख रहे होते हो, पुराने जमाने वाली नहीं। तो ये चीजें कर सकते हो। तो ये कुछ जो टिप्स है मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए। तो यहां पे यही कुछ मैं करता हूं जो मैं आप लोगों को बताया, यहां पे मैं कुछ इंटरनेट से नहीं उठा के लाया कि मैंने ये सीखा वो सीखा ये करा ये कर लो वो कर लो, वो सारे तरीके उनके अपने होंगे, ये मेरा अपना तरीका जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया, पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। और इस वीडियो में आप लोग सोच रहे होंगे यार इसने टिप्स तो कम दी है, ज्ञान ज्यादा दिया है। एक्चुअली ये वीडियो मैं बहुत समय पहले से बनाना चाहता था, बट मैं सोच रहा था बनाऊं कि नहीं बनाऊं कि नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं यार इस वीडियो को बनाएंगे जरूर, हो सकता है कुछ लोग इंस्पायर्ड हो और अपनी हिंदी लैंग्वेज की भी कदर करना सीख जाए, या फिर जो भी अपनी मदर टंग है, इंग्लिश आना जरूरी है क्योंकि आप लोग कभी फ्यूचर में किसी देश में गए तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। तो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखोगे बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आई हो, जरा सी भी रिलेटेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।